फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन. ए दे रखा है माइनस फाइव कॉमा फाइव और ओरिजिन तो क्या होगा जीरो जीरो ही तो हो. तो हमसे क्या पूछा ओ ए डिस्टेंस पूछा. फॉर्मूला क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. ये कितना है एक्स वन वाई वन और ये क्या एक्स टू वाई टू. तो क्या लिखा जाएगा ये माइनस फाइव माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस जीरो का होल स्क्वायर. माइनस फाइव का स्क्वायर 25 और फाइव का स्क्वायर 25 तो कितना का रूट फिफ्टी आ गया. रूट फिफ्टी का मतलब क्या होता है टू इंटू फाइव इंटू फाइव यानी कि फाइव रूट टू यूनिट. ठीक है अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यूज पूछिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज फाइव यूनिट. ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना रहना है फाइव. ये ए है और ये बी है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है फाइव यूनिट. इसे एक्स वन वाई वन मान लेते हैं और इसे एक्स टू वाई. देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. ए बी कितना दे रखा फाइव एज इक्वल्स टू एक्स टू की वैल्यू कितनी है फाइव. एक्स वन की वैल्यू क्या है एक्स. वाई टू वैल्यू क्या है थ्री. वाई वन की वैल्यू माइनस वन. ठीक है फाइव एज इक्वल्स टू फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर ले क्यों कर रहे स्क्वायरिंग जिससे स्क्वायर रूट हट जाए. तो फाइव का स्क्वायर होगा ट्वेंटी फाइव यहाँ स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट हट जाएगा फाइव माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटी ट्वेंटी फाइव. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव इंटू एक्स जीरो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्सटी. मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए ठीक है तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल्स टू जीरो. एक्स कॉमन ले लेते एक्स माइनस एट माइनस टू एक्स माइनस एट एक्स माइनस एट और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. जब हम एक्स माइनस एट को जीरो रखेंगे एक्स कितना आएगा एट और अगर हम एक्स माइनस टू को जीरो रखेंगे तो एक्स कितना आएगा. तो इन्होंने पूछा था फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो एक्स की दो पॉसिबल वैल्यू एक तो एट हो सकती है और एक टू हो सकती. ठीक है